तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसका दो तरीका है, एक तो बाई पार्ट के थ्रू हम लोग इसे प्रोसीड कर सकते हैं, एक विदाउट बाई पार्ट मतलब डायरेक्ट फॉर्मूले से आप कर सकते हो। डायरेक्ट फॉर्मूले से करने के लिए आपके पास ऑब्जर्वेशन होना चाहिए कि e की पावर x और टाइम्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, ठीक। अगर ये फॉर्मेट है तो उसका आंसर आता है e की पावर x इंटू एफ एक्स। खैर यहाँ पे आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि विच वन इज एफ एक्स एंड विच इज एफ डैश एक्स। साइन एक्स अगर आप एफ एक्स मानते हो तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, कॉस एक्स आ जाएगा। लेकिन गलती से आपने अगर कॉस एक्स एफ एक्स माना है तो सोचिए उसका डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन होगा, जो यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब कि राइट चॉइस क्या होगी, साइन एक्स हमारा एफ एक्स हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका एफ डैश एक्स हो जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर डायरेक्ट हम लिख सकते हैं दैट कम्स आउट टू बी ई की पावर एक्स एफ एक्स, एफ एक्स मतलब साइन एक्स एंड वन इनडेफिनिट कॉन्स्टेंट दैट इज सी, दैट इज योर फाइनल आंसर।